दोस्ती निभाना तो कोई पवन सिंह से सीखें। अगर उन्होंने किसी को दोस्त मान लिया तो भाई फिर दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पवन सिंह उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। पवन सिंह और दीपक सिंह, जी हाँ, पवन सिंह के ऐसे दोस्त जिनकी वजह से ही आज पवन सिंह हैं, पवन सिंह ऐसा कहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दीपक सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपको भी यकीन हो जाएगा कि दीपक सिंह और पवन सिंह की दोस्ती कितनी गहरी है। आपने अमूमन हर एक स्टेज शो, हर एक फिल्म के रिलीज पर देखा होगा कि पवन सिंह के साथ एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहता है और वो कोई और नहीं दीपक सिंह हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह चाहे जब भी किसी मुसीबत में हो तो दीपक सिंह उनके साथ साये की तरह रहते हैं। दीपक सिंह के बारे में पवन सिंह कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से हूँ, वरना मेरा तो नामो निशान दुनिया से कब का मिट चुका होता। तो भाई कैसे बने दीपक सिंह के इतने बड़े हमराज? आपको याद होगा कि पवन सिंह की पहली पत्नी ने जब आत्महत्या की थी तब पवन सिंह एक भारी मुसीबत में पड़ गए थे। ये आरोप लग रहा था कि पवन सिंह ने ही अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया है, लेकिन इन सब में जहां इंडस्ट्री धीरे धीरे पवन सिंह से कन्नी काट रही थी तो दीपक सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे मुसीबत की घड़ी में पवन सिंह के साथ खड़े रहे और पवन सिंह को ये एहसास कराया कि जब तक दीपक सिंह है तब तक पवन सिंह को वो कुछ नहीं होने देंगे। फिर क्या, पवन सिंह के लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आईं दीपक सिंह से टकराए बगैर नहीं गुजरी। जी हाँ, पवन सिंह कई मर्तबा दीपक सिंह के लिए हमेशा ये कहते हैं कि वो उनके लिए बड़े भाई से भी बढ़कर हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दीपक सिंह के माँ की मृत्यु हो गई। जी हाँ, दीपक सिंह की माँ के देहांत पर पवन सिंह एकमात्र ऐसे स्टार थे जो कि उनके इस भारी दुख में उनके साथ थे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के सिचुएशन में जहां एक जिले से दूसरे जिले में जाना दूभर है, वहां पवन सिंह साये की तरह दीपक सिंह के साथ खड़े रहे। और तो और, अक्षरा सिंह के भी दीपक सिंह बड़े करीबी हैं। लेकिन ये बात आपको बता दें कि इन दोनों के बीच जब पवन और अक्षरा के बीच दूरियां आईं तो कहा जाता है कि जो विवाद खड़ा हुआ था उसे निपटाने में भी दीपक सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। अगर दीपक सिंह नहीं होते तो आज अक्षरा और पवन का विवाद खत्म ही नहीं होता, उल्टा उलझता ही चला जाता। दीपक सिंह के घर छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी पवन सिंह की शिरकत होती है तो भाई बड़ी से बड़ी मुसीबतों में दीपक सिंह पवन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चाहे स्टेज शो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया, हर जगह दीपक सिंह पवन सिंह के साथ बने रहते हैं। हाँ, ये बात और है कि कभी कभी इनके रिश्तों में भी तलखियों की खबरें आती रही हैं, लेकिन इन दोनों ने अपनी दोस्ती के चलते इसे हमेशा बेबुनियाद ही ठहराया है। खैर, ऐसी दोस्ती को देखकर तो भाई बॉलीवुड का एक ही गाना याद आता है, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।